हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत अनायत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी। मैं आया हूँ स्टार रेसिडेंसी पे पहला पोजीशन देने, यानी इस वक्त की कंडीशन में मैं यहाँ पे एक पहला पोजीशन देने वाला हूँ बिल्डिंग में। जो कस्टमर हमारे से बुकिंग कराए थे उनका पोजीशन है आज, उनका जो है वो रूम के अंदर पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो आज जो है उनके साथ गपशप भी करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, उनके फ्लैट को दिखाएंगे, उनका काम कैसा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम लोग जो है पहले बिल्डिंग के तरफ का नहीं, पहले एतराफ़ का ये एरिया दिखा देते हैं। अगर आप भी यहाँ बुकिंग करना चाहते हैं तो बिल्डिंग नंबर 8 है और ये बिल्डिंग नंबर 6 है, बिल्डिंग नंबर 7 है और वहाँ पर बिल्डिंग नंबर 4 है। तो इस सब के अंदर जो है आपके लिए बिल्डिंग में फ्लैट अवेलेबल है। महीने की ईएमआई खाली आपको भरते रहना है। हर महीने की ईएमआई भरते भरते आपको फ्लैट मिलेगा 11,000 रुपये की ईएमआई में विदाउट इंटरेस्ट पे। तो इसको मिस मत कीजिए, जल्दी बुकिंग कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल इसकी भी दूंगा, फ्लैट की कॉस्ट वगैरह सब बताऊंगा। तो एरिया जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं एरिया आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बिल्डिंग के पास चलते हैं, वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया जो है फुल डेवलप एरिया हो चुका है, यहाँ पे भी पूरी पब्लिक रह रही है और ये पूरी बिल्डिंग के अंदर टोटल पब्लिक रहती है। तो मैं अभी जो है बिल्डिंग नंबर 1 में पोजीशन देने के लिए आया हूँ हमारे अजीत पांडे जी का। अजीत पांडे जी का तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, पहले मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। आज जो है हमारे शॉप का भी वो चालू है, प्लास्टर चालू है, एक दो शॉप का हमारा प्लास्टर हो चुका है कम्प्लीट। तो यहाँ से अभी हम लोग जो है पहले आपको दिखाते हैं ये एरिया, जैसे आप देख रहे हो वहाँ से बिल्कुल रोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है साईं बाबा का मंदिर है, ये देखिए ये साईं बाबा का मंदिर है और बिल्कुल उनके सामने ही उनका फ्लैट है अजीत भाई का। तो यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 1 जो है ये साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल बाजू में उनका फ्लैट है। तो यहाँ से पहले मैं आपको लेकर के जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा थर्ड फ्लोर पे उनका पोजीशन है, वो आप रूम देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं अभी हम लोग चलते हैं, ये बिल्डिंग के अंदर फ्लैट अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए तो। आपको 4 नंबर में भी मिल जाएगा, 6 नंबर में, डाउन पेमेंट नहीं है तो भी ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको बिल्डिंग नंबर 3 फ्लोर पे लेकर के जाते हैं, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 3 फ्लोर पे और मैं हमारे जो अजीत भाई है उनकी फैमिली को यहाँ पे पोजीशन भी दूंगा 3 फ्लोर पे। इन्होंने 1 BHK का फ्लैट लिया हुआ है, मैं फ्लैट दिखाता हूँ। इन्होंने ये डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया दे के महीने की 11,000 रुपये की ईएमआई, यानी आपको बता दूँ 10 से 15 लाख बचा है। तो चलिए हम लोग जो फ्लैट दिखाते हैं। सबसे पहले आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पैसेज और यहाँ पे ये पूरा इनको मिल जाता है हॉल। तो ये पूरा हॉल है इनका, अजीत भाई का। आप सामने देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है, काफ़ी बड़ा है हमारा ये हॉल। अजीत भाई का घर है ये और पूरी तरीके से हम लोग ने इनका काम कम्प्लीट किया हुआ है, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये पूरा हॉल है, यहाँ पे आप पीछे साइड पे देखेंगे तो ये पूरा खुला एरिया, हवा बहुत अच्छी तरीके से आती है यहाँ पे। और यहाँ से रोड जो है ज़्यादा दूरी नहीं है, बाजू में स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा ये एरिया के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो इनके फ्लैट को, फ्लैट में हम लोग जो है पहले दिखाते हैं इनके बेडरूम को भी। ओह बोला ना हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है। तो यहाँ पे पहले हम लोग चलते हैं, देखो ये इनका बाथरूम है, बाथरूम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा बाथरूम है इनका। ये बाथरूम के साइज़ देखिए, हाइट भी देखिए, यहाँ पे गीज़र मिक्सर और यहाँ पे सब कुछ कंटिन्यू काम करके दिया है हमने, ये पूरा नल वगैरह सब फिटिंग है। यहाँ पे अभी इनका ये बेडरूम है, ये बेडरूम के पास जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये 10x10x11 का ये बेडरूम मिल जाता है इनको। और नीचे के साइड में जैसे मैंने बताया था मंदिर के सामने इनका फ्लैट है, तो आप जैसे देख सकते हैं मंदिर बिल्कुल सामने इनके फ्लैट है। ये देखिए यहाँ पे लाइट वीट सब कनेक्शन करके रखा हुआ है अजीत भाई ने, कलर वगैरह सब कंप्लीट कर दिया है हमने इनका। और अभी हम लोग जो है इनके किचन को भी दिखाते हैं, ये किचन किस तरीके से हमने काम करके दिया है। किचन में कोई है आ जाओ, तो यहाँ पे किचन में दिखा देता हूँ, किचन में थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, आ जाइए। तो यहाँ पे जो भी किचन है ये पूरा किचन का एरिया है, यहाँ पे ये रहने के लिए कब आएंगे ये तो सब हमारे अजीत भाई बताएंगे। ये किचन है, इसके ऊपर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे भी लाइट वगैरह लगी हुई है। तो ये लाइट देखिए आपके सामने चालू है, अभी दिन में उजाला काफ़ी ज़्यादा है, पूरे घर में रोशनी रोशनी है, चाहे कहीं से भी आप देख लो, हॉल बेडरूम किचन में सब जगह मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। तो हम लोग जो है हमारी उनकी फैमिली से बात करेंगे जो इन्होंने लिया, चलो हॉल की तरफ जाते हैं हम लोग और वहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे उनकी फैमिली से, अजीत भाई और अजीत भाई की फैमिली के साथ में, कि इन्होंने हमारे से ये फ्लैट किस तरीके से कहाँ से देख करके कैसा परचेस किया।
तो दोस्तों जैसे मैंने ये आपको फ्लैट दिखाया, ये फ्लैट जो है हमारे अजीत भाई का है। इन्होंने हमारे से ये फ्लैट कहाँ से देखा, कहाँ रहते हैं हमारे को अभी तक कुछ पता नहीं है। सिर्फ हमारे से आते हैं, मुलाकात करते हैं, फ्लैट बुकिंग कराया तो हमारे अजीत भाई से बात करते हैं। नमस्ते अजीत भाई। नमस्कार। और अजीत भाई कैसे हो? सब बढ़िया अजीत भाई। अभी अजीत भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपने हमारे को कहाँ देखा और कहाँ से बुकिंग कराई? यूट्यूब पे देखा था और एक रिलेशन थोड़ा सा माइक क्लोज। यूट्यूब पे देखा था और पहचान वाले थे, उन्होंने आपके यहाँ पहले चॉल में लिया था। अच्छा, उन्होंने रेफरेंस दिया तो मैं आया। तो कौन थे जो आपके रेफरेंस दिए थे, जिन्होंने, क्या नाम है उनका? प्रिया करके है उनका नाम। प्रिया रवि गोप। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, रवि गोप जी ने आपको रेफरेंस दिया हुआ है। आप कहाँ रहते हो? अंधेरी में। अंधेरी में रहते हो? तो आपने मतलब फिर YouTube देखना चालू किया, उन्होंने रेफरेंस बताया तो डायरेक्ट आ गए? लिंक दिया था, लिंक पे मैंने देखा तो उसके बाद फिर सब दिखने लगा, वीडियोस देखने लगे कंटिन्यू। तो आपने फ्लैट ही को डायरेक्ट परचेस करना ठान लिया कि नहीं डायरेक्ट फ्लैट ही दे लेते? अपना पहले से फ्लैट लेने का चल रहा था, चौल में देखा तो चौल में थोड़ा किचपिच ज्यादा रहता है। हाँ। तो अपने को पसंद नहीं है तो इसके लिए चलो फ्लैट ही लेते। फ्लैट ही लेते। तो आपने अचानक से ये, देखो अभी मैं जो सवाल करूंगा वो सवाल तो कॉमन ही रहने वाला है, फ्लैट में भी उतने का ही प्राइस है जैसे कि वो डाउन पेमेंट दो और वहाँ पे भी फ्लैट ले लो। आपने ये फ्लैट में भी कितना डाउन पेमेंट दिया रहेगा? 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट, और इतना बड़ा फ्लैट है। आपने लोन करवाया या बिना लोन के लिया? बिना लोन के। कितना रुपए ईएमआई भर रहे हो? 11,000। तो ये क्यों आपने ऐसा सोचा कि नहीं महीने की ईएमआई पे लेते, लोन करने की जरूरत नहीं है? इसमें सुविधा ज्यादा है लोन में, बैंक में चक्कर लगाओ ये लगाओ और आपके इधर कितना इंटरेस्ट जाता हो? 2-3 लाख रुपए 3 लाख रुपए जाता है। कैसे 2-3 लाख रुपए हो जाता है? जो भी जाता हो उतना तो ये अपने को कैलकुलेट नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 लाख नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% चल रहा है इस वक्त। 9% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा भरना ही पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी जो इनकी पूरी फैमिली आई हुई है और इन्होंने हमारे से जो ये रूम फ्लैट परचेस किया है, इनके किसी दोस्त ने इनको रेफरेंस किया, और यूट्यूब पे भी कंटिन्यू देखते होंगे? हाँ, यूट्यूब कंटिन्यू। कैसा लगा आपको ये फ्लैट और बिल्डिंग? अचानक से आपने वीडियो में देखा और तुरंत आपको लगा कि फ्लैट का भी पड़ अचानक देखा, फिर यहाँ पे आके भी देखा ना आसपास, उनसे बात किया, स्वभाव अच्छा लगा, वो लोग ने बताया था इसलिए हम लोग आए। अच्छा, क्या है? वो लोग ने बोला बहुत अच्छा इंसान है, वहाँ जाओ, और बहुत समझदारी से बातें भी करते हैं, काम भी उनका बहुत अच्छा है, जो बोलते वो करके देते, इसलिए हम लोग यहाँ आए। थैंक यू। हम तो आपको पहचानते ही नहीं, पहचान से आए जी, अच्छा लगा। तो इस वक्त की सिचुएशन में आप जब यहाँ आए थे तो कितने फ्लैट थे यहाँ पे? पांच फ्लैट थे। अभी कितने बचे? एक भी नहीं है अभी मेरे ख्याल से, अभी पूरे सोल्ड आउट हो गए। मैंने कहा था कि जो लोग यहाँ पे जल्दी आएंगे उतने जल्दी ये रूम फ्लैट परचेस करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज आपको पता चल चुकी होगी कि कितने जल्दी आपके बाजू वाला चला गया, सामने वाला, एक बाजू, ये टोटल जितने फ्लैट थे हमारे सब सोल्ड आउट हो चुके। अभी हमारी 8 नंबर बिल्डिंग और 4 नंबर बिल्डिंग में कुछ फ्लैट बाकी बचे हुए हैं, तो उसमें आपको मिल सकता है। कैसी लगती है सोसाइटी आपको? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। अंधेरी यहाँ पे आप रहने के लिए आने वाले हो या फिर कैसा है? रहने के लिए आने वाले। अच्छी लगती इसलिए आ रहे हैं ना हम लोग। बहुत अच्छा। तो इनकी नई नई शादी हुई, दुल्हन आ जाएगी, अरे बाप, सोसाइटी देख के ही आएंगे ना। हाँ। सोसाइटी अच्छी लगी इसलिए बोले लेके आ फैमिली। भाई का नाम क्या? भाई को दो माइक दे दो थोड़ा सा। नमस्ते भाई, कैसे हो? जी 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 जी, कैसे, क्या नाम आपका? अजय पांडे। अजय पांडे जी, क्या करते हो अजय पांडे जी आप? मैं कॉम में जॉब करता हूँ, यहाँ प्राइवेट जॉब है मेरा। प्राइवेट जॉब है तो आप भाई के साथ में आना जाना किए, कैसे, क्या? नहीं, भाई के साथ में ही आया जाए, उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ ऐसा ऐसा सीन है। हाँ, तो ये फ्लैट आप यहाँ पे भी, आप भी रहने आने वाले हो? इरादा है? मैं ही रहूंगा, यही रहने वाले हो? फैमिली, पूरी फैमिली के साथ में आप ही रहने वाले? तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, देखो इनकी पूरी फैमिली रहने के लिए, आपको अच्छा लगता है एरिया? यस यस, एरिया बहुत अच्छा, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी काफी अच्छा लगा पहली बार बाहर का। थैंक यू आंटी। आंटी को हमारा स्वभाव बहुत ज्यादा पसंद है माशाल्लाह। तो अभी मुझे बताइए अजीत भाई कि आप कभी रेंट पे रहे हो या फिर ये कभी इससे पहले कभी? नहीं, अभी तक तो रेंट पे नहीं रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से मुंबई में। जब भाई अब मतलब साथ में ही रहते सब लोग? हाँ, नहीं, मैं रेंट पे रहता था, बिकॉज मैं वहाँ पे 10,000 समथिंग देता था रेंट पे। अच्छा। हाँ, तो उससे भैया ने बताया कि ऐसा सीन है, अगर जो रेंट वहाँ पे दे रहे हैं हम, वो यहाँ पे लेकर के पोजीशन फ्लैट ले लेंगे। अरे यार, ये मेरे दिल की बात, मेरी दिल की बात छीन ली, और मैं बता रहा हूँ ना, इतना हैप्पी तो मैं कभी नहीं हो सकता है कि किसी ने अपना रेंट बचा के खुद का घर किया है। सही बता रहा हूँ, अभी भी मैं रह रहा हूँ रेंट पे ही हूँ, बिकॉज मैं 10,000 रुपए रेंट जाता, कितना तकलीफ होती आपको मालूम है? और थोड़ा डिस्टेंस भी पड़ता था वहाँ से मेरा। हाँ। तो अभी ये नजदीक है, मेरे ऑफिस से नजदीक है। आपकी ऑफिस किधर है? मेरा आमने गांव है, यहाँ पे आमने गांव मालूम है। हाँ। यस, वहाँ पे है।
तो ये देखिए आप 12-15 किलोमीटर डिस्टेंस पे आया हूँ। अरे तो अच्छा ही हो गया आपके लिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये चीज लोकेशन में मिल भी गया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये हमारे अजीत भाई और ये मिल करके दोनों ने मिल करके मतलब फ्लैट ने फ्लैट किसने परचेस किया है? भैया के नाम से। भैया के नाम से क्या बात, बड़े भाई है। बड़े भाई है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को बहुत खुशी की बात है कि आपके जो पैसे हैं बचने के बाद कुछ बन रहा है। यस यस। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी लिया हुआ है ये? समथिंग 15 लाख का है। 15 लाख रुपए का फ्लैट है पूरी फ्लैट। 16 लाख 16,65,000। यस 16,65,000 रुपए का ये फ्लैट है। कितने में पजेशन दिया आपको आइडिया है? कितने में? 3 लाख रुपए में पजेशन दिया है या फिर कुछ ज्यादा लिया है? नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ आंटी झूठ मत बोलो। नहीं, 3 लाख में है जो बोले थे। स्क्रिप्ट लिख के तो नहीं दिया मैंने ना? स्क्रिप्ट नहीं लिख के दिया है हमने, जो बोला है वो करके भी दिया है। और दूसरी बात दोस्तों, ये सोसाइटी में अगर आप लोग अभी तक विजिट नहीं किए तो विजिट कीजिए। ऐसे ही हम लोग जो है फ्लैट जो है ईएमआई पे दे रहे, खत्म हो जाएंगे, है ना? Yes, जल्दी 3-3 लाख 11-11 हज़ार कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से सबको जो अब, किराए में रह रहे हैं वो चाहेंगे कि उसको ले। अभी इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना चला जाएगा? ये हम लोग तो कितना पैसा बचाने की, 10-15 लाख रुपए बचाएंगे, आधे से आधा जो इंटरेस्ट चला जाता है तो हम लोग वो बचाने की कोशिश में। तो इस वक्त जो है यहाँ पे भाई और दोनों भाई आए हैं, मम्मी भी साथ में, तो हम लोग जो है ताला चाबी जो है ताला खुल चुका है, अभी चाबी लगाने की बारी जो है मम्मी की है। तो ये जो है आंटी आपके लिए ये बहुत बहुत मुबारक हो, ये घर जो है आपको इस वक्त जो है हमने हमारा फर्ज हमारे फर्ज मिठाई का बॉक्स भी आया है। क्या बात है हमारे अजीत, हमारे हमारे अजीत में क्या काम करते हैं हमने आपसे नहीं पूछा कभी। मेरा ट्रेवल एजेंसी, थोड़ा सा हाँ ट्रेवल एजेंसी है। ट्रेवल एजेंसी आपकी कहाँ पे? अंधेरी में ही? अंधेरी में मतलब कहाँ? गाड़ियों का, टूरिस्ट गाड़ियों का है आपका? हाँ। तो ये सिचुएशन जो है हमारे टूरिस्ट गाड़ियों की जो है, हमारे हर दिन जो है इनके पास भी कस्टमर रहते हैं, इनको मालूम है। और आज भी जो ये आए हैं तो इन्होंने देखा हमारे को टाइम बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। हम लोग जो है टाइम निकाल करके अजीत भाई के लिए आए हैं और अजीत भाई को छुट्टी नहीं होती है। नहीं, मुझको छुट्टी नहीं होती और मुझे भी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन अजीत भाई ने संडे को मेरा ज़्यादा रहता है, बाकी दिन में तो वर्किंग। और संडे के दिन आपने मेरे से पजेशन दिलवा लिया आपको एक नया रिकॉर्ड हो गया मेरी लिस्ट में एक नया रिकॉर्ड हो गया कि संडे के दिन मैं कभी पजेशन नहीं देता और संडे के दिन अजीत भाई ने पजेशन दिलवा दिया फर्स्ट टाइम। हाँ, तो जैसे कि मेरे दोस्तों मैं बता दूं, ये सारी चीज़ जो है आप लोगों के लिए हम लोग ने कॉन्सेप्ट में रखा है कि अगर आप महीने की ईएमआई पे अगर ये चीज़ लेते हैं तो आपका जो है 10-15 लाख बच जाता है। ये सोसाइटी जो है बड़ी सोसाइटी है, 150-200 लोगों की सोसाइटी है, 150-200 फ्लैट की सोसाइटी है। तो एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रोड, रास्ता, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, पेट्रोल पम्प सब बाजू में है, तो इसको मिस नहीं करना है, है ना? बगल में पेट्रोल पंप है, इधर भी पेट्रोल पंप है, सीएनजी भी है यहाँ पे, सब चीज़ की सब चीज़ ओके, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारे बस कस्टमरों को खुशी मिली और हमारे को खुशी मिली। मैं दुखी लग रहा हूँ नहीं अभी मिठाई पहले तो ये है, आप एक दूसरे को, मैं तो खाऊंगा ही ये, मैं पहले आप लोगों को खुश होते हुए देखना चाहता हूँ ये। अरे वाह क्या बात है, ये लो, ये होती है बात, ये लो तुम खाओ पहले चलो देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है इस वक्त की सिचुएशन में ये हमारे लिए अजीत भाई की तरफ से, ये भी ये पूरा आपको लेके जाना, ये हमारे तरफ से मुंह मीठा कर लो। ये जैसे कि आपको मैं बताया ना, हमारी फैमिली जो है ये हमारी फैमिली है और हमारे को ऐसे ही खुशी रहना। आंटी अच्छा लगा ना? अच्छा लगा अजीत भाई, अजीत भाई बस यही खुशी हमारी है। और ऐसे ही आप भी फ्लैट को बुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपका फ्लैट कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कहाँ आपको अच्छा लगता है, तो मिस मत करो, जल्दी करो, लेट मत करो। अजीत भाई ने तो बहुत घाई किया था कि ये फ्लैट पसंद आया, इन्होंने देर नहीं किया। ऐसा ही होना चाहिए, जितने जल्दी कर दोगे उतने जल्दी आपको चीज़ मिलेगी, लेट कर दोगे तो ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी। मानते ही नहीं इस बात को, करना है फटाफट करके खत्म करना है, फटाफट करके खत्म करना है। थोड़ा बहुत जो भी रहेगा कम्युनिकेशन करो, जल्दी करो और खत्म करके अपना फ्लैट अपने नाम पे करो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।